कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को शोध विषय बताया है। आचार्य ने आगे कहा कि बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अपने चाचाओं को निपटाया और उसके बाद अपने अंकल को निपटाया, नेताजी को निपटाया और ले देकर आजम खान बचे थे, अब उन्हें भी निपटाने के काम कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुरादाबाद से मोदी और योगी की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि जब कांग्रेसी नेताओं के यहाँ CBI और ED की छापेमारी हो रही है, अब तक सेफई और मायावती के यहाँ कोई रेड नहीं पड़ी, ये सब थाली के चट्टे बट्टे हैं और आजम खान को निपटाने के लिए समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शामिल है। और जहां तक 2 दिन पूर्व अखिलेश यादव की मौजूदगी में देश के चौथे स्तंभ मीडिया पर हमला हुआ है, वे निंदनीय हैं, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और इस पर अखिलेश यादव को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम मुरादाबाद में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कई अहम जवाब दिए। देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, दिल्ली आया और मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर हमला, मैं इसकी निंदा करता हूँ और अखिलेश जी को भी माफ़ी मांगता हूँ। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं और जो सवाल पूछा जाता है उनसे, तो उस पर भड़क जाते हैं आजम खान को लेकर के, अगर सवाल खासतौर पर देखिए, अखिलेश यादव जी शोध का विषय है, बहुत कम उम्र में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपने चाचाओं को निपटाया, फिर अंकल को निपटाया, नेताजी को निपटाया और ले दे करके आजम खान बच गए थे, उनको भी निपटाने का काम कर दिया। क्या मतलब आजम खान को निपटाने का क्या मतलब? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की पुलिस ED CBI सोनिया गांधी के दामाद के घर छापा मारती है, कमलनाथ के घर छापा मारती है, DK शिवकुमार के घर छापा मारती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के रिश्तेदारों के घर छापा मारती है, लेकिन आज तक न सैफई में छापा लगा है और न बहन मायावती जी के घर छापा। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से आजम खान पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उन्हें फंसाया गया है। मुझे लगता है सब एक थैली के चक्के बैठे हैं। आजम खान साहब को निपटाने के लिए ये बड़ी गहरी साजिश है जिसमें समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन्वॉल्व है। आजम जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद साहब के नाम प्रचार वाली लिस्ट में से गायब है, क्या कहेंगे, बड़े पुराने नेता? देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इसका जवाब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता देंगे। क्या आपको लगता है कि आजम खान को बलि का बकरा बनाया गया है? मुझे नहीं लगता, लोगों को दिखाई दे रहा है कि उनकी कुर्बानी कर दी गई है।